कि जब नया नया मोबाइल लेते हो उसके साथ एक डाटा केबल आती है। वो डाटा केबल क्या होता है कि बहुत ही लंबे समय तक चलती रहती है, लेकिन जब एक बार वो डाटा केबल खराब हो जाती है तो डाटा केबल क्या होती है, डाटा केबल जस्ट सब लोग जानते हैं भाई, फिर भी क्यों बता रहा है, दिस वन डाटा केबल। ठीक है, तो ये होती है एक डाटा केबल। इसको क्या आप भी यूज करते होंगे 100% अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक डाटा केबल है जो कि आईफोन की है और किसी भी आईफोन में ये लग जाएगी। ठीक है, तो अब ये खराब कैसे होती है ये हम बताने वाले हैं। तो ये खराब होती है सिंपली एक रीजन के कारण। देखो, आपने कभी भी गौर किया होगा ना, तो आप जब नया नया मोबाइल लेते हो तो उसके साथ एक बेहतरीन क्वालिटी की डाटा केबल आती है जो कि आपके बहुत दिनों में जाके कहीं या तो टूट ही जाएगी, बट वो यहाँ पर से खराब नहीं होती है कहाँ से, यानी कि स्लो चार्ज या फिर चार्जिंग रिकनेक्ट या फिर डिसकनेक्ट ऐसा काम नहीं करती होगी, डायरेक्ट वो टूट चा जाए। ठीक है, किसी भी तरीके से टूट जाए लेकिन स्लो चार्जिंग करना स्टार्ट नहीं करती, वो फास्ट की फास्ट रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, एंड यहाँ पर हमारे जो अलग से डाटा केबल खरीदते हैं वो इतनी क्यों अच्छी नहीं आती, या फिर इतनी अच्छी क्यों नहीं चल पाती जो कि साथ में आती है वो? तो सिंपल सा रीजन है भाई, डाटा केबल कभी ऑटोमेटिकली खराब नहीं होती है। जैसे कि मान के चलिए ये वाला सिस्टम, जैसे कि ये पिन है हमारे पास, ये वाली पिन, तो ये क्या है कि ये आपने मोबाइल में रख दी, तो जैसे कि मैंने यहाँ से, ठीक है, ये इतनी खुरसा गई। अब आपको जैसे कि निकालना कहाँ से इस डाटा केबल को, वैसे तो आप यहाँ से देख सकते हो, पकड़ने का एक सिस्टम दे रखा है बंदे ने जिसने भी ये डाटा केबल बनाई है, वहाँ यहाँ से एक सिस्टम दे रखा है ऑलरेडी। तो पर आप अपन क्या करते हैं, यानी कि मैं या फिर आप क्या करते हो, ये डाटा केबल लग रही है यहाँ से डोरी पकड़ के अब खींच देते हैं। अब जोर कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर रबड़ पर। ठीक है, जबकि पकड़ के अगर यहाँ खींचोगे तो अंदर की पता ही नहीं चलेगा भाई निकल रही है कि लग रही है। आप यहाँ से पकड़ के खींचोगे तो यहाँ से डोरियाँ खिंच जाएगी, इसमें से कुछ कुछ तार खिंच जाते हैं, इस वजह से डाटा केबल आपकी खराब हो जाती है। मेन रीजन यही होता है कि भाई डाटा केबल आप यहाँ से पकड़ के खींचते हो तब जाके कहीं खराब हो जाती है, और जो ओरिजिनल डाटा केबल आती है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, वो इस वजह से टिक जाती है आपकी गुस्से के आगे या फिर आपकी ताकत के आगे वो टिक जाती है। लेकिन जो ये ज्यादातर क्या होता है कि 50-60 50-60 इसके अंडर अंडर आपको यहाँ पर क्या मिलती है, 100 पर डाटा केबल, इससे ज्यादा आप लेते भी नहीं हो। अगर एक बार भी आप अच्छी डाटा केबल ले लेते हो तो आपको शायद वो लंबे समय तक टिक सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, क्वालिटी चेक करने के लिए सिंपल एक सी बात होती है कि डाटा केबल का अगर आप हाथ में लेकर देखोगे तो वैसे भी पता चल जाएगा कि डाटा केबल में कुछ दम है। आपको पैसे से मतलब नहीं भाई, कोई डाटा केबल बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है और कोई डाटा केबल बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है। वैसे नॉर्मली जो 50 रुपये की डाटा केबल आती है वो तो नॉर्मली आती है, और बहुत ही खराब आती है, मतलब कि खराब नहीं, 2-3 दिन चलती है, आप अगर यहाँ से पकड़ के खींच देगो इसको तो खराब हो जाएगी। तो डाटा केबल आपको लेना लेना है, लेकिन कैसे लेना है, कम से कम अच्छे से क्वालिटी चेक करने के बाद लो। पैसे की चिंता मत करो, एक बार लग जाएंगे बार बार नहीं लगेंगे। अंडे यहाँ पर 60 रुपये वाले या फिर 50 रुपये वाले ले आओगे तो बार बार आपको देते रहोगे, उस शॉप वाले के तो मजे ही है उसमें, क्योंकि उसकी तो डाटा केबल्स आप बेचते रहेंगे, अगली बार भी तो वैसे कर ही दोगे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम और किसी पर पहुँच जाओ, लेकिन फिर कभी ना कभी तो उस पर पहुँचोगे, क्योंकि उसकी उसने आपकी आदत देख रखी है कि आप कोई अच्छी चीज़ ले ही नहीं सकते हो। तो फिलहाल मेरी बात मानो तो हमेशा अच्छी गुड क्वालिटी की डाटा केबल लो, जिससे कि आपको बार बार परेशान ना हो। और ख़राब होने का सिंपल एक ही रीज़न है कि ये जो चार्जर की जो आप डोरी पकड़ के खींचते हो, आपको ये पकड़ के खींचना चाहिए भाई, सिंपल ही ये बात है। ठीक है, आप अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इधर ही इधर से, यहाँ पर हमारे दूसरी तरफ भी होता है चार्जर का एक ऑप्शन, चार्जर में लगने वाला ये वाला बंदा, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें भी पकड़ने का एक, अगर आप डाटा केबल को ध्यान से देखोगे तो पकड़ने का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा क्यों देगा पकड़ने के लिए। ठीक है, तो लेकिन बंदों की क्या आदत होती है, यहाँ से पकड़ के यू खींच देते हैं तो भीतर से तार खींच जाते हैं और वो टूट टाट के बिगड़ जाती है। कुछ कुछ तार खींच जाते हैं तो स्लो चार्ज करने लगती है, तो कुछ कुछ हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर हमेशा डाटा केबल को यहाँ से पकड़ के खींचना चाहिए, और डाटा केबल अच्छी क्वालिटी की शुरू में ही लेना चाहिए, जिससे कि आपको बार बार दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाटा केबल के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप डाटा केबल से परेशान हो तो आप ट्राई कर सकते हो ये ऑप्शन, अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जो डाटा केबल नॉर्मल से 60 रुपये वाली भी है, अगर यहाँ से यूज करो भाई, मैं खुद 60 रुपये की यूज करता हूँ। ठीक है, और सावधानी से, क्यों, क्योंकि मेरे मोबाइल मतलब मोबाइल से ऊपर मैं काम करता हूँ वहीं पे। ठीक है, तो अगर आसपास के हो तो वही आ जाना, मैं जो जानते हो वो बंदे तो आई नहीं है, आ ही जाना। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की डाटा केबल मिलेगी अपने पास यूफोन वाली।